चलिए आज की साइंस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक पौधों में प्रजनन पढ़ेंगे। पौधों में प्रजनन में हम लोग प्रजनन क्या होता है और प्रजनन कितने प्रकार का होता है और प्रजनन की जो विधियां होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इसमें आता है कि प्रजनन होता क्या है। जीवधारियों द्वारा अपने समान नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। पर ये परिभाषा तो हम लोगों के प्रजनन की जीवधारियों की हो गई। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पौधों में प्रजनन। तो पौधों में प्रजनन की परिभाषा क्या होती है, चलिए वो देखते हैं। पौधों द्वारा अपने समान नया पौधा उत्पन्न करना पौधों में प्रजनन कहलाता है। क्या? पौधे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न प्रकार से प्रजनन करते हैं। पौधों में अधिकांशतः बीजों द्वारा प्रजनन होता है। पौधों में फूल बनते हैं और फूल फल में बदल जाते हैं। इन फलों में बहुत सारे बीज होते हैं जिनसे कि नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। जिन फलों में बीज नहीं होते हैं उनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। जो जिन पौधों में फूल नहीं होते हैं उनमें प्रजनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जो पौधे होते हैं इनमें जरूरी नहीं है कि बीजों से ही प्रजनन हो, कुछ अन्य भागों से भी इनमें प्रजनन हो जाता है। जी सभी बीजों से पौधे नहीं उगते हैं। पौधे होते हैं वो सभी बीजों से नहीं उगते हैं। क्यों? क्योंकि जो पौधा जो फल होता है उसमें तो बहुत सारे बीज होते हैं, तो जरूरी नहीं होता है कि हर बीज से एक पौधा उगे। इसलिए जो पौधे होते हैं वो बीज अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं, परंतु हर बीज से पौधा ना उगने के कारण वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बीज अधिक से अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब पौधों में प्रजनन के प्रकार कितने होते हैं। पौधों में प्रजनन दो प्रकार से होता है। पहला है बीजों द्वारा प्रजनन, यानी कि प्रकीर्णन। इसके बाद दूसरा आता है हमारा काइट प्रजनन। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट देखते हैं, बीजों द्वारा प्रजनन यानी कि प्रकीर्णन।
जब बीजों की सहायता से पौधे नया पौधा उत्पन्न करते हैं तो उसे हम लोग बीजों द्वारा प्रजनन कहते हैं। जब पौधे बीजों की सहायता से नया पौधा उत्पन्न करते हैं तो उसे हम लोग बीजों द्वारा प्रजनन कहते हैं। बीजों का अपने जनक पौधे से दूर दूर बिखरना प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए लिख लेते हैं इसको। बीजों का अपने जनक पौधे से दूर दूर बिखरना प्रकीर्णन कहलाता है। जो पौधे होते हैं वो अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, परंतु हर बीज से पौधा नहीं निकलता है। यदि जो पौधे के बीज हैं वो पौधे के आसपास ही सारे गिरकर अंकुरित होने लग जाएं, तो जो आसपास सारे पौधे हैं उनको प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, जल, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो पौधों में प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है वो निम्न विधियों के द्वारा होती है। चलिए हम लोग अपनी पहली विधि देखेंगे, आंतरिक दबाव के द्वारा। आंतरिक दबाव द्वारा जैसे कि मटर जैसे पौधों के जो फल होते हैं इनके बीज आंतरिक दबाव के कारण चटक जाते हैं, जिससे कि इनके जो बीज होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसे कि हम लोग प्रस्फुटन कहते हैं। प्रस्फुटन कहते हैं। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है जल द्वारा। जल के भीतर या जल के किनारे उगने वाले पौधों के जो बीज होते हैं या फल होते हैं ये पकने के बाद गिर जाते हैं।
जिससे कि यह जल के द्वारा बहकर अपने जनक पौधे से बहुत दूर चले जाते हैं, जैसे कि हमारा नारियल, कमल आदि। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, इसमें वायु द्वारा। वायु द्वारा कुछ पौधों के बीजों के बाल, किसी के छोटे छोटे बीज और किसी 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 पौधे के बालों के पंख, जिनको की वायु दूर तक उड़ाकर ले जाती है, जिससे कि इन बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। जैसे कि हमारे आक, ऑर्किड, मैपल आदि। हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा। कुछ पौधों के बीजों में जैसे हुक, कांटे आदि संरचनाएं पाई जाती हैं, जिससे कि ये मनुष्यों और पशुओं के शरीर में आसानी से चिपक जाते हैं और ये दूर तक चले जाते हैं, जिससे कि इन बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। जैसे कि हमारा धतूरा, गोखरू आदि। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग इसमें आती है कीटों तथा पक्षियों द्वारा। कुछ कीट तथा पक्षी जब कोई फल खाते हैं तो उनके शरीर से अपच बीज मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल आते हैं, जिससे कि इनके बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। जैसे कि हमारा